देश को पहली रैपिड रेल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के तहत साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने उसमें सफर भी किया। पीएम मोदी स्कूली बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए, वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। कल से आम नागरिक इस ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को नव भारत का नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल इसका नाम बदलने की घोषणा की थी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारों का पहला चरण 17 किलोमीटर लंबा है, यानी अभी यात्री गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक यात्रा कर सकेंगे। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का ट्रेन किराया ₹50 रखा गया है, वहीं प्रीमियम कोच के लिए ₹100 चुकाने होंगे। अगर हम बात कर ले पहले चरण में कौन कौन से स्टेशन कवर होंगे, तो आपको बता दें कि पहले चरण में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशन कवर किए जाएंगे। वही बताया जा रहा है कि हर 15 मिनट पर यह ट्रेन की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, अब ये ट्रेन हर 15 मिनट में उपलब्ध होगी, लेकिन आगे के स्टेशनों के विस्तार के बाद में इस ट्रेन का परिचालन हर 5-5 मिनट में किया जाएगा। इस गलियारों का निर्माण 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है। यह ट्रेन गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर से गुजरते हुए 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च साल 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारों की नींव रखी थी। इसके साथ ही पहले चरण में NCR में हुई 3 RRTS गलियारों की पहचान की जाए तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, तो वही दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर और तीसरे में दिल्ली और पानीपत है।